परफ्यूज ना होना संभावना के नजरिए में किसको कहते हैं? अपनी फैन देखिए कोई लड़की, ये देखो पहले आप खुद पे वो करो फिर दुनिया आप पे करेगी। वो क्या करो सुसु, पहले आप खुद पे सुसु करो फिर दुनिया करेगी। हाँ बेबी उठ जाओ फटाफट फटाफट पहुंचो एयरपोर्ट। हेलो, हाँ भैया, अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूँ एक मिनट में। चलो मैं निकल रहा हूँ, मेरी तो कैब आ गई। चल चिराग मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जा रही हूँ कोलकाता और ऑलरेडी लेट हो गई हूँ और मेरी गाड़ी आ गई है और मैं गाड़ी तक पहुँच नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत तेज़ बारिश है। देख लो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गाड़ी तक पहुँची कैसे। आऊँ कैसे, कोई छतरी नहीं है? छतरी कुछ तो देखना, छतरी देखो ना बिना। वैसे मैं फ्लाइट के लिए अभी तक लेट नहीं हूँ, मतलब टाइम पे ही हूँ, बट वहाँ तक पहुँचूंगी तो पहुँचूंगी ना आगे। मिली क्या? मिल गई छतरी, छतरी मिल गई जी, छतरी मिल गई। सामान रखवा देना। अरे 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 अरे, अचानक बारिश कैसे हो गई, इतनी तेज और तेज हो गई। तो आप तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए? तैयार हो? तैयार हो ना, आ जाओ। भैया OTP है 4209। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं निकल गया हूँ कोलकाता के लिए अपने होटल से और रास्ते में मैं जा रहा था ओला कैब से। मुझे लगा मैं आप लोगों को जो भोपाल की झीलें हैं वो अच्छे से नहीं दिखा पाया, तो मैंने रास्ते में अपनी कैब रोक दी है और मैं यहाँ पर झील के पास रुका हूँ ताकि मैं आपको ब्यूटीफुल नज़ारा दिखा पाऊँ एक बार। वाओ, क्या लेक है यार, क्या व्यू है, अमेजिंग, दिस इज जस्ट अमेजिंग। अब मैं निकल रहा हूँ फटाफट कैब से वापस, संभावना को मैंने फ़ोन कर दिया, वहाँ से निकल चुकी है, मैं यहाँ से निकलूँगा और हम लोग मिलेंगे एयरपोर्ट पे। तो मैं वापस बैठता हूँ कैब में क्योंकि मैं एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा शो है कोलकाता में और मैं जा रही हूँ, अविनाश मेरे साथ नहीं है, अविनाश मुझे भोपाल से ज्वाइन करेगा और उसकी भी अभी फ्लाइट है, वो भी निकल चुका है एयरपोर्ट के लिए, तो मैं सीधा मिलूंगी उसको होटल में, आई थिंक सो। मेरे से लेट पहुंचेगा वो या मुझसे पहले, मुझे नहीं पता, अभी जाके देखूंगी मैं। आई गॉट माई बोर्डिंग पास, अभी सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहा हूँ। मेरी फ्लाइट कोलकाता पहुंच रही है 1 बजे करीब और संभावना की पहुंच रही है 11:30। उसकी भी अभी फ्लाइट है, मेरे से लेट पहुंचेगा वो। मैं शर्त लगा सकता हूं कि संभावना एयरपोर्ट पर उतर के सीधा होटल चली जाएगी और मेरा वेट नहीं करेगी। आपको क्या लगता है, करेगी? पागल हो गए हो क्या? तो मैं सीधा मिलूंगी उसको होटल में। मैं होता तो वेट करता, क्योंकि लड़के पैदा ही हुए हैं वेट करने के लिए। क्यों भाई, कृपया ध्यान दें, ये प्रस्थान की अंतिम घोषणा है। गाइस, अचानक से बोर्डिंग शुरू हुई और मेरा बोर्डिंग पास मुझे नहीं दिख रहा है, मेरा बोर्डिंग पास कहीं गिर गया है। मैं फटाफट ढूंढने जा रहा हूँ, शायद सिक्योरिटी चेक पे रह गया, पता नहीं कहाँ चला गया। शिट यार, गाइस कैन यू बिलीव दिस, मैंने अपना बोर्डिंग पास जो है उसको कॉफ़ी और इडली का बिल समझ के ना मोड़ के काउंटर पे छोड़ दिया था और मैं पूरा नीचे सिक्योरिटी चेक सब कुछ ढूंढ के आ गया और बाद में जाके मैं जब काउंटर पे आके मैंने पूछा तो वहाँ पर ये एज इट इज़ पड़ा हुआ था। अगर उन्होंने फेंक दिया होता तो क्या होता। ओह यार, ये वाले बोर्डिंग पास तो ना बंद ही कर देने चाहिए। ये देखो, ये लग नहीं रहा कि बिल है मेरे हाथ में, वो हार्ड पेपर वाले बोर्डिंग पास ठीक, ये तो कई लोगों का खोता होगा यार। आज तो मेरी हवा टाइट हो गई बॉस। ओह, मैं आ गई हूँ मनोज टाइगर के साथ, जा रहे कोलकाता, तो क्योंकि भोजपुरी अवार्ड नाइट है, ऑब्वियसली ये शख्स वहाँ पे ना हो ये हो नहीं सकता है। मतलब ही इज द फेस ऑफ आर भोजपुरी इंडस्ट्री और एज यू ऑल नो कि ये मेरा बहुत बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे सबसे ज्यादा सुकून इस बात का है दैट वी आर फ्लाइंग टुगेदर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो पूरा ग्रुप है साथ में, मुझे नहीं पता कौन कौन है, लेकिन हम दोनों हैं। तो हम लोग अभी आए हैं कॉफी लेने के लिए। मेरी कॉफी बहुत स्ट्रॉन्ग मत करना प्लीज, बैठते हैं फिर आपसे बात करते हैं। बोर्डिंग हो गई है, मैं जा रहा हूँ एयरक्राफ्ट में और अगर किसी को पता हो कि अगर ऐसे बोर्डिंग पास खो जाए तो क्या उसकी दूसरी कॉपी मिलती है काउंटर पे, तो मुझे जरूर बताना क्योंकि मेरा बोर्डिंग पास बहुत खोता है यार, इसका सॉल्यूशन चाहिए मुझे। So
सो गाइस मैं आ गई हूँ रूम में और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बीच में बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई, बहुत सारे और लोग साथ में हो गए तो मैं फिर व्लॉगिंग नहीं कर पाई। अब मैं आई हूँ सीधा रूम में और अब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। मेरी हालत खराब है, मैंने कुछ खाया नहीं हुआ है, अविनाश अभी तक पहुंचा नहीं है, अविनाश का फोन ऑफ है तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि अविनाश अभी वाया दिल्ली आ रहा था, वो भोपाल से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ आ रहा था तो अभी उसकी फ्लाइट कहाँ पे है मुझे भी पता नहीं है। तो वंस ही लैंड्स तो मेरे को वो कॉल करेगा। भूख के मारे हालत खराब है, मैं नीचे जा रही हूँ, वहां पे व्लॉगिंग नहीं करूंगी मैं। एक बार अविनाश आ जाए फिर करूंगी व्लॉगिंग, एक बार वापस भी आ जाओ तब करती हूँ। मिलती हूँ आपको, बहुत भूख लगी हुई है ना। Hey guys, I just landed in कोलकाता और दिल्ली में भी फ्लाइट लैंड हुई थी और मुझे वहां से दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन वहां इतनी जल्दी जल्दी में फ्लाइट पकड़नी थी कि मैं व्लॉग बना ही नहीं पाया। और अभी मैं सीधा कोलकाता में लैंड हुआ हूँ, मैं फटाफट संभावना को फोन करता हूँ, निकल गई है या फिर है, और उस हिसाब से फिर प्लान करता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। हेलो, मैं पहुँच गया बेबी, तुम कहाँ हो? मैंने लोगों से शर्त लगाई थी, चाहे कुछ भी हो जाए संभावना मेरा वेट नहीं करेगी एयरपोर्ट पे। एज यूजुअल जैसे मैंने आपको कहा था कि संभावना चली गई होगी, संभावना चली गई है होटल में और लंच कर रही है मेरे बिना। होटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, ऐसा संभावना ने बताया, और उसकी बताई किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। बाबा कोलकाता में तो भीषण गर्मी। तो मैं आ गई हूँ अभी रूम में वापस और अविनाश पहुंचने वाला है, अविनाश 10 मिनट में पहुंचने वाला है और मैं उसको वेट कर रही हूँ रास्ते में है वो। और मेरे को नींद आ रही है बहुत तेज, बहुत बुरी तरह से, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, अविनाश का वेट भी करना पड़ेगा। कौन है? अरे बेबी अब हम लोग दोनों नहीं मिलेंगे, हमारे कैमरा ही मिलेंगे क्या आपस में? और हमारे कैमरे में तो देखो एकदम मेल और फीमेल है। पांच लोग हैं देखो, मेल एंड फीमेल, ये देखो ऊपर तक देखो, मेल फीमेल कैमरा। अरे बेबी मैंने तो ये उम्मीद ही नहीं की थी, सीरियसली तुम कैमरा खोला हुआ था तुमने? हाँ मैंने एकदम ऑन किया हुआ था। ओह गॉड, अब मैं ये बंद कर दूं? हाँ बंद कर। बोर हो रही थी तुम्हारे बिना, मैंने खाना भी ज्यादा खा लिया। बेबी तुम मेरे बिना बोर हो रही थी, तुम एयरपोर्ट पे मेरा वेट नहीं किया, होटल आ गई वहां तक समझ में आता है, खाना भी तुमने खा लिया वो भी समझ में आता है, और क्या तुम सो भी रही थी, तुम्हारी आंखें बता रही है। नहीं नहीं सुनो, वो सो नहीं रही हूँ मैं, ऐसी लेटी हुई थी, ऐसी आराम करती कैसे मैं बेबी? मैं एकदम ठीक। बेबी कैसी लग रही हूँ बेबी, दिखाओ। बेबी अच्छी लग रही हो, पतली लग रही हो है? और जूते बहुत गंदे पहने, जो जूते मैंने ला के दिए थे वो क्यों नहीं पहने? इसके साथ नहीं पहन सकते थे ना? क्यों? जैसा ट्राउजर्स। तो अभी अभी डिसाइड हुआ है, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया, लेकिन संभावना को साड़ी खरीदने जाना है पहले बंगाल में आते ही। बताओ तो हम क्या करेंगे भाई? क्या बताया था मैंने मर्दों का क्या काम है? खाली इंतजार करना और हाँ करना। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैंने पूछा था काफी लोगों से, लड़कियों से, तो लड़कियों ने मुझे बताया कि यहाँ पे कोई बड़ा बाजार है, वहाँ पे होलसेल मार्केट है, वहाँ पे साड़ी मिल सकती है। पहले हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। बेबी तुम तो खा चुकी हो, फिर से खाओ। मतलब मैंने खा लिया है, ये खाएगा। चलो बेबी चलो, बेबी साड़ी लेनी है। चलो भाई यहाँ भी आके साड़ी खरीद रहे हैं कलकत्ता में। मैंने कभी साड़ी, तुमने कभी सुना है मुझसे साड़ी लेने के लिए? साड़ी मैं उस पे पहनूंगी ना अपना नवरात्रि पे। चलो बस मेरा चार्जर रख लो, फिर मेरे को बैग की जरूरत। भाई पहले तुमने बोला मेरी लिपस्टिक रख लो, फिर तुमने बोला मेरा वॉलेट रख लो, फिर तुमने मेरा पाउडर रख लो, फिर तुमने बोला चार्जर रख लो, थोड़ी देर मेरा बैग ही अपने बैग में रख लो, और फिर कहोगी मुझे भी अपने बैग में रख लो। देखो सुनो, मैं ये अपना कैमरा कैरी कर रही हूँ, आई एम कैरिंग माय ओन कैमरा, आई डोंट नीड यू, मैं अपने आप व्लॉगिंग कर लूंगी, बाय। चलो चलो यहाँ से। बेबी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बस बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर ना, सो आई एम ओनली होल्डिंग अ कैमरा। अलग से अगर तुम खो गए तो मैं अलग से ब्लॉगिंग तो कर सकती हूँ ना, मैं अब आई एम अ सीरियस ब्लॉगर। इतना सीरियस की लिफ्ट का बटन ही नहीं दबाया। हो जाता है। ओहो मेरे शू के लेसेस खुले हुए हैं, बंद ही नहीं किए मैंने। फर्स्ट फ्लोर दबाओ ना, तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे बेबी। खाना हो गया, कैब बुक हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं घड़िया, घड़िया हाट किसी ने जगह बताइए। मैं बॉम्बे में था वहाँ बारिश, भोपाल गया शो करने वहाँ बारिश, कोलकाता आया हूँ शो करने यहाँ भी बारिश। ऐसा लग रहा है कोलकाता आके कि अपनी ही सिटी में आई हूँ। हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे राणा? क्या है गड़बड़ हाट? कौन सा हाट है, कहाँ जा रहे हैं? गोड़िया गोड़िया हाट, गड़बड़ हाट बोल रहे हैं। कोलकाता इज फेमस फॉर इट्स फूड,
कल्चर, हम लोग जब भी ये सब बात कर रहे हैं ना तो हम लोग ये मिस आउट नहीं कर सकते। मैं कोलकाता की कुछ लड़कियों के बारे में बात करना चाह रही हूँ जो कि एक्चुअली स्लम एरिया की लड़कियाँ हैं और वो फुटबॉल खेलना चाहती हैं। अब उनके फैमिलीज में ऐसा है कि उनको हिजाब के बिना बाहर भी निकलने नहीं दिया जा सकता है। अब ये लड़कियाँ बाहर कैसे आएँ? तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, जो कि अविनाश की सिस्टर, वो बहुत ज़्यादा इन कामों में आगे है। आई थिंक उसकी कमाई ना लाइफ में यही है निशा की, कि वो लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करे। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, मैं जूडो की बहुत अच्छी प्लेयर रही हूँ। मेरा स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन हुआ था एंड दैट वाज जूडो। तो मेरा ना बहुत दिल करता है कि अगर कोई भी लड़कियाँ अगर लाइफ में आगे आना चाहती हैं, कुछ अच्छा करना चाहती हैं स्पोर्ट्स में, तो किसी भी तरीके से उनकी मदद की जाए। तो जो मेरी बहन है निशा, वो इन लड़कियों को बहुत सपोर्ट कर रही है, इनके लिए फंड रेज कर रही है। मैं भी ये चाहता हूँ कि ये लड़कियाँ आगे आएं, ये वेस्ट बंगाल के लिए खेलना चाहती हैं, वो भी वो स्पोर्ट्स जो कि लड़कों का स्पोर्ट्स है, फुटबॉल। मैंने उन लड़कियों के लिए कुछ अपनी तरफ से डोनेट कर दिया हम दोनों ने, क्योंकि हमने उनका वीडियो भी देखा और हमें बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी या किसी एनजीओ का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम कोई ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग अपनी तरफ से कुछ मदद कर सकते हैं इन लड़कियों के लिए तो प्लीज कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इनके लिए दुआ कीजिए कि वेस्ट बंगाल के लिए खेल सके और अच्छी फुटबॉलर बने। और इसके लिए QR कोड है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और उस QR कोड को स्कैन करके अपने ऑनलाइन वॉलेट से, किसी से भी, पेटीएम से या फिर जो भी ऑनलाइन वॉलेट होते हैं, उस पे जो भी आपको डोनेशन करनी है वो आप कर सकते हो। अगर आपको एक लगता है ना 10 रुपए से भी आप किसी की हेल्प कर सकते हो और वो हेल्प है, तो प्लीज डू इट। तो वो जो डोनेशन उससे इकट्ठा होगी उससे उन लड़कियों के लिए इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, जो भी फुटबॉल खेलने के शूज होते हैं, ड्रेसेस होती हैं, उनकी डाइट होती है, वो सब चीजें उस डोनेशन से उन लड़कियों के लिए उनकी हेल्प की जाएगी। और मैं आपको सच में एक बात बताऊं कि अपने सपने पूरे करने से ज्यादा खुशी तब होती है जब आपकी वजह से किसी और के सपने पूरे होते हैं। नहीं तो आप एक बार करके देख लीजिएगा, छोटी सी मदद जब हम करते हैं ना तो अंदर एक रियल सेटिस्फेक्शन होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो करें, और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट दुआ करें उनके लिए। और नाउ गुड़िया हार्ट। और शूज ना होना संभावना के नजरिए में किसको कहते हैं? भाई साहब अपनी ही फैन देखिए कोई लड़की, ये देखो और हंसती भी अपने ब्लॉग देख देख के ना, हंसती है। सुनो मेरी बात, पहले आप खुद पे वो करो फिर दुनिया आप पे करेगी। वो क्या करो सुसु, पहले आप खुद पे सुसु करो फिर दुनिया करेगी। मुझे ना वोट नहीं मिल रहा था बेबी, आई थिंक आई नीड अ कॉफी। भाई साहब कहीं कॉफी मिलेगी यहाँ पे आसपास, कहीं ऐसे मिल जाता है बरिस्ता वगैरह कुछ है ऐसा? तो हम लोग पहुँच गए हैं जगह, जगह का नाम भूल गई मैं, क्या था दीदी? गड़बड़ घाटी, गड़बड़ घाटी। मैं देखती हूँ यहाँ पे आगे जाके, जब तक अविनाश दूसरा कैमरा बैग में रख रहा है तब तक मैं आगे जाके देखती हूँ कि है क्या यहाँ पे। कुछ खाने पीने की दुकानें दिख रही है मुझे, ये कुछ पकौड़ी बन रही है, कितना कुछ है खाने के लिए, छोटी 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 दुकानें। अगर कॉफी मिल जाती ना यहाँ पे भाई, पहले कॉफी पता करो ना। तो कोलकाता की गलियों में संभावना पैदल घुमा रही है मुझे कॉफी शॉप ढूंढने के लिए, जहाँ मुझे कोई अंदाजा नहीं। और गूगल मैप में पैदल पैदल ढूंढ ढूंढ के हम लोग 300 मीटर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और कॉफी शॉप हमें मिल नहीं रहा एकदम भी। मिलेगा मिलेगा। मुझे पहले बता देती ना तुम इतना पैदल चलवाओगी तो मैं व्हाइट शूज पहन के नहीं आता ना कम से कम। बेबी मेरे को थोड़ी पता था, और बारिश हो जाएगी मुझे ये भी नहीं पता था ना कॉफी कहाँ है। यही कहीं राइट हैंड साइड में होना चाहिए। मेरे को अगर साड़ी नहीं मिली ना आज तो मैं हाहाकार मचा सकती हूँ। तुम्हें कॉफी नहीं मिली तो भी तुम हाहाकार मचा दो। पॉट बॉयलर ऊपर है क्या? कॉफी कैसी लगी बेबी? कॉफी बहुत अच्छी थी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ साड़ी लेने के लिए, पता नहीं क्यों। भैया रंगोली मॉल कहाँ है? आगे जाके लेफ्ट। भाई साहब इतना तो मैं ना बॉम्बे में पैदल नहीं चला जितना कलकत्ता में चलवा दिया इसने मेरे को, रंगोली मॉल ढूंढवा के। पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा है साड़ी खरीदने का। लड़कियाँ समझेंगी तुम नहीं समझोगे। बेसिकली दो साड़ी थी रेड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में, एक बिल्कुल ही पूरा व्हाइट था और पल्ला रेड था, अब ये रेड और व्हाइट ज्यादा है, तो मुझे सब लोग सजेस्ट करें कि ये वाली लो। मेरे को अच्छा लग रहा है। क्या प्राइस था? सो आई हैव लाइक 3 साड़ी, अब मैं डिसाइड करूंगी कि तीनों ले लूँ या दो लूँ, डिपेंड करता है कि प्राइस क्या देते हैं मुझे। थैंक यू। एक दो साड़ी करके 3 साड़ी खा गई। 3 साड़ी ले ली मैंने, और आपको बिल भी बता देती हूँ वरना बोलोगे कि कितने की थी। मेरे को टोटली पड़ी है 7,800 की डिस्काउंट के बाद, 10% डिस्काउंट मिला उसके बाद 7,800 रुपए धुल गए। तो संभावना ने तो अपने मतलब का काम कर लिया, मैंने भी अपने मतलब की चीज ढूंढ ली है। मैंने भौजोहारी मन्ना ढूंढ लिया है, 6 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से,
और हम जा रहे हैं ऑथेंटिक बंगाली फूड खाने भोजोहारी मन्ना। बेबी यहाँ से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस बोला, तुम यहाँ क्यों मुड़ गए? आगे से हाँ हाँ आगे आगे चलना है। चलो चलो चलो, चलो।